Hey guys, as you all know, this is Raghu here. Welcome to Elegant Education. As you all know, मैं मॉडल 6, 7 and 8 जो डील करता हूँ. अगर आपको अगर मेरा क्रैश कोर्स अगर आपको लेना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. आज का टॉपिक हमारा टाइड ऑफ प्रोसीजर का सेकेंड पार्ट. दैट इज हमारा लास्ट वीडियो में लाइट एयरक्राफ्ट टाइड ऑफ प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग हैवी एयरक्राफ्ट सी प्लेन एंड स्की प्लेन्स प्लस हेलीकॉप्टर इन सब के बारे में पढ़ने की कोशिश करें. तो सी हैवी एयरक्राफ्ट केस में अगर देखें तो इस केस में यह देखा गया है कि ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट इज हैवी. जो अगर आप अगर एयरक्राफ्ट को टाइड डाउन नहीं करते तो आप वो ज्यादा लोड के साथ वो रेज होगा और अचानक झटका आने की वजह से गिरने की वजह से ज्यादा डैमेज होने का चांस है. तो उससे जमीन के साथ पकड़े रखने के लिए आपको ज्यादा नंबर ऑफ रूप्स ऑफ मूव रिक्वायर्ड इज मोर. ये आपको एक चीज हमेशा तो आइडिया है ही. यू नीड मोर नंबर ऑफ रूप्स इफ एट ऑल यू वांट अ होल्ड अ हैवी ऑब्जेक्ट. एट द सेम टाइम इफ एट ऑल द बॉडी इज लाइट द स्मॉलर नंबर ऑफ रूप्स एंड केबल्स चेन्स आर इनफ. रोप्स कितने टाइप के होते हैं अगर आप पूछोगे तो रोप्स जो होता है मैनिला रोप इज नथिंग बट जूट का बना हुआ रोप जो रहता है. मैनिला रोप से नेक्स्ट आता है अपना नायलॉन रोप. नेक्स्ट आता है केबल्स जो स्टेनलेस स्टील के बने हुए केबल्स रहते हैं. स्टेनलेस स्टील के यूज करते हैं वो करोड़ इजीली नहीं होता. ज्यादा समय के लिए आप उसे यूज कर सकते हो. उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा रहता है तो उसके वजह से हम लोग स्टेनलेस स्टील का रोप यूज कर सकते हैं. रोप ने केबल्स वुड बी राइट फॉर. तो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ केबल. नेक्स्ट आता है आप अगर आप यूज करना चाहते हो चेन्स भी यूज कर सकते हो. राइट. तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स रोप्स एंड चेन्स व्हिच आर यूज्ड इन यूज फॉर सिक्योरिंग द हैवी एयरक्राफ्ट्स. हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसीड टाई डाउन प्रोसीजर जो है हैवी एयरक्राफ्ट को आप टाई डाउन करने का प्रोसीजर कैसे इनिशिएट करोगे. पहली बात एयरप्लेन जो है आपका जो है इट शुड बी टू द विंड. मतलब अगर व्हेन आई सी इनटू द वेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज इफ यू टॉक योर एयरक्राफ्ट का नोज ये है इन दैट केस एयर शुड गो इन अपोजिट डायरेक्शन. द विंड शुड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. ऐसा कोई कंडीशन को फिनोमेना को बोला जाता है हेडिंग एरोप्लेन इनटू द प्रिवेलिंग विंड. राइट. एयर शुड बी इन द प्रिवेलिंग विंड के हेड करना चाहिए. ये आपको एक चीज पता होना चाहिए. नेक्स्ट आता है जब भी आप एयरक्राफ्ट को लैंड करें और एक चीज पता होता है एयरक्राफ्ट को जब आप ये आप टाई डाउन कर रहे हो टाई डाउन करते हुए और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि आपको लॉक्स को कंट्रोल लॉक्स को जितने भी कवरिंग्स है इंजन में कवरिंग्स लगते हैं इवन पिटॉट ट्यूब्स में वेरियस ओपनिंग्स होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट में इंजन कवरिंग्स रखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ गार्ड्स लगाए जाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिकॉशनरी टैग्स लगाए जाते हैं वार्निंग टैग्स लगाए जाते हैं डू नॉट टच करके. वो सारे टैग्स को जहाँ पे प्लेस कर सकते हो प्लेस कीजिएगा. ऑब्वियसली ब्रेक्स तो एयरक्राफ्ट को लगाना ही है. एक बार ब्रेक्स लगा दिया चोक सप्लाई करोगे तो ये फोर व्हील एंड हाफ व्हील का चोक रहते हैं. अगर आप मेन लैंडिंग गियर पीछे अगर चोक्स लगाते हो तो नोज लैंडिंग के आगे आपको चोक्स लगाना पड़ेगा ताकि आगे और पीछे दोनों तरफ से एयरक्राफ्ट सिक्योर हो जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए सब दोनों चोक्स आगे की तरफ है. इट इज समवर्ड लाइक अगर ब्रेक गलती से फेल गलती से रखा नहीं आपने एंड चोक सिर्फ आगे रखा तो पॉसिबल कि वो अचानक से कोई और रीजन की वजह से वो पीछे की तरफ साइड मूव हो सकता है. तो चोक्स को आगे और पीछे अगर मेन लैंडिंग गियर के आगे रखते हो तो आप नोज लैंडिंग गियर के पीछे रखिएगा. ऐसा भी किया जा सकता है. तो ये आपको एक चीज पता होना चाहिए. नेक्स्ट चीज क्या है जब आप टाई डाउन करते हो आपको कौन सा रील्स टिपिकल यूज किया जाता है. ऐसे रील्स आपको पुराने जमाने में फिल्म का रील्स आता था टेप जैसा रहता है. बहुत बड़ा टेप जैसा एक मैकेनिज्म है व्हील जैसा रहेगा उसके ऊपर जो केबल वाइंड करके रखा जाता है और जितना भी कभी भी यूज करना है आपको कभी भी अगर यूज करना है तो अनवाइंड करके वो केबल को आप एयरक्राफ्ट में लगा के यूज कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट इट इज. एंड नेक्स्ट आता है जो केबल्स आप यूज करते हो अगर आप स्टेनलेस स्टील का वायर का केबल है वो यूज करते हो उसका डायमीटर जो 1/4 इंच का हम लोग यूज करते हैं. अगर आप मैनिला का अगर बना यूज कर रहे हो देन दैट केस का डायमीटर जो है 1.5 इंच का रोप यूज करते हैं. राइट. उसका डायमीटर जो है 1.5 इंच का रहेगा
उसका वाया केबल का जो डायमीटर जो है 1/4 इंच का, 1/4 इंच का डायमीटर का रहेगा, राइट। दैट इज नथिंग बट हैवी एयरक्राफ्ट का पूरा प्रोसीजर है। नेक्स्ट आता है आप टाइड ऑन प्रोसीजर के बारे में, टाइड ऑन प्रोसीजर फॉर सी प्लेन, सी प्लेन के बारे में पूछोगे। एज यू ऑल नो सी प्लेन ऑब्वियसली सी में लैंड करता है, इसका मतलब ये नहीं रिवर में लैंड नहीं करता, तो पानी में लैंड करने वाला, राइट। तो टाइड ऑन प्रोसीजर फॉर सी प्लेन अगर पूछोगे तो दो सी प्लेन वर्क जो भी आएगा सी में, रिवर में, पानी में लैंड कर सकते हो, सबको हम लोग सी प्लेन बोलते हैं। एट द सेम टाइम यही कंडीशन जो एम्फीबियस प्लेन में भी होता है। एम्फीबियस प्लेन में ये फर्क रहता है कि फर्क इतना है कि सी प्लेन में जो है फ्लोटर्स रहते हैं जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट लैंड करता है, बियॉन्ड सी प्रोवाइड करता है वो फ्लोटर्स। बट एट द सेम टाइम अगर एम्फीबियस प्लेन के बारे में बात करें तो वो फ्लोटर्स के साथ साथ उसके साथ व्हील्स भी होते हैं। एम्फीबियस प्लेन का ये एडवांटेज है कि इट कैन लैंड ऑन द सी एज वेल एज ऑन द जमीन, जमीन पर भी, लैंड में भी वो लैंड कर सकता है, पानी में भी लैंड कर सकता है। आपको जब एयरक्राफ्ट को टाइड ऑन करना है, अगर आपका सिचुएशन मतलब एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हजार्डस है, मतलब यू आर फीलिंग दैट सम सॉर्ट ऑफ टोर्नाडो स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म कुछ भी आ रहा है आपके पास, तो ऑब्वियसली जब एयरक्राफ्ट पानी में रहता है तो वेव्स क्रिएट होते हैं। जब वेव्स क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली द एयरक्राफ्ट विल ट्राई टू बॉब। व्हेन आई से बॉब, व्हाट डू यू मीन बाय बॉबिंग, मींस आप एयरक्राफ्ट विल ट्राई टू जंप फ्रॉम इट्स पोजीशन। एक लॉग अगर रखो, लॉग एक स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहता, इट ट्राई टू जंप। जैसे वेव आते हैं, वेव लॉग ऊपर जाता है, जैसे ही वेव थोड़ा कम हो गया वापस नीचे आएगा, तो वेव सिमिलरली एयरक्राफ्ट जो आप पानी में रख रहे हो, इट विल ट्राई टू रेज अप एंड कम डाउन, रेज अप एंड कम डाउन, राइट। सो इट हैपेंस, इट हैपेंस। सो अगर इसलिए बोला जाता है अगर स्टॉर्म है तो लिटरली जमीन पानी के ऊपर जाएगा, वेव थोड़ा उठाएगा, हवा थोड़ा उठाएगा, वापस जम मारेगा, गिरेगा, तो ज्यादा खतरनाक तरीके से गिरने का चांस है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द सी वाटर विल एंटर विद इन द कंपार्टमेंट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, इनर कंपार्टमेंट में एंटर कर सकता है। सॉल्टी वाटर एयरक्राफ्ट के अंदर आना इज नॉट वेरी गुड फिनोमिना। सॉल्टी वाटर अगर नॉर्मल वाटर भी है तो प्रॉब्लम तो देता है, सी वाटर इज फार मोर डेंजरस, राइट, कोरोसिव होता है ना, सी वाटर इज कोरोसिव इन नेचर, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली है। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप दो तरीके से आप कर सकते हो। स्टॉर्म आने वाला है, बहुत तेजी से आने वाला है, भाग जाओ, एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करो कोई और जगह में जहाँ पे स्टॉर्म नहीं है, शहर के पास चले जाना, कोई और जगह में सी है तो उधर आप प्लान कर दीजिए। अगर आपका एयरक्राफ्ट एम्फीबियस नेचर का है, पानी से निकालो, जमीन में लैंड कीजिए, टाइड ऑन कर दीजिए। मैंने जमीन में कैसे टाइड ऑन करना है मैंने बताया, राइट, आप लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं नॉर्मल लाइट एयरक्राफ्ट कैसे लैंड करते हैं, वैसे ही आप ये सी प्लेन को भी लैंड कर सकते हैं, कंडीशन अप्लाइड कि वो एक एम्फीबियस नेचर का है, राइट। अगर आपके पास प्रायर वार्निंग नहीं था एंड मे बी 10-15 मिनट में लैंड होने वाला है वैसे केस में, या आपका एम्फीबियस नेचर वाला एयरक्राफ्ट है, यू डोंट हैव एनी सी प्लेन है, आपका सी प्लेन है एंड यू डोंट हैव एनी ऑप्शन एंड यू नीड टू टाई डाउन समहाउ, इन दैट केस आप फ्लोटर्स के अंदर जो है पार्शियली वाटर फिलअप किया जाएगा, कंपार्टमेंट में नहीं, फ्लोटर्स में पानी भरा जा सकता है, फ्लोटर्स आर मेंट टू बी वाटर प्रूफ, राइट। फ्लोटर्स में आप पानी पार्शियली भर दोगे, पूरा मत भरना वो डूब जाएगा, पार्शियली वाटर फिलअप कर दीजिएगा। एट द सेम टाइम आप क्या करोगे, एंकर्स डाल दोगे, शिप में एंकर्स डाला जाता है जगह से हिलने के लिए, आपको आपने एयर में रेज ना होने के लिए हमने ना फ्लोटर्स में पानी डाल दिया, आगे पीछे मूव ना होने के लिए हम लोग क्या करें, एंकरिंग कर देंगे, एयरक्राफ्ट दोनों काम हो जाता है, तो एयरक्राफ्ट को एंकरिंग कर दोगे प्लस द फ्लोटर्स में पार्शियली वाटर फिलअप किया जाएगा। इस तरह जो है एयरक्राफ्ट जो है इट विल रिमेन इन स्टैटिक पोजिशन, एक जगह में वो रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट अ टाइड ऑन प्रोसीजर फॉर अ सी प्लेन और एम्फीबियस प्लेन। अगर आप एक स्की प्लेन के बारे में बात करें, स्की प्लेन मतलब व्हाट आई वाज टॉकिंग अप टिल नाउ वाज सी प्लेन, SEA, दैट इज सी प्लेन, ये आपका सी प्लेन, ये सी प्लेन। नेक्स्ट आता है, अब मैं बात कर रहा हूँ स्की प्लेन, SKI, स्की प्लेन। जब मैं बोलता हूँ स्की प्लेन बेटा, आपको इतना याद रखना है कि स्की प्लेन में एक मिनट आपको इधर देखता हूँ, स्की प्लेन जो होता है, मैं स्की प्लेन की बात कर रहा था,
स्की प्लेन जो होता है वो बर्फीले इलाके में लैंड करता है, उसके में स्की पैड्स लगे हुए रहते हैं इंस्टेड ऑफ लैंडिंग गियर विद अ व्हील, जिसमें व्हील्स होता है। आपको पता है कि आइस के ऊपर जब भी उसका आइस का फ्रिक्शन कम होता है, स्नो इज नथिंग बट आइस राइट, एंड इफ इट ऑफ स्नो इज एक्युमुलेटिंग एट सर्टेन एरिया दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बहुत कम रहता है, जमीन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम रहता है, एंड व्हील का उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पहले से कम होने की वजह से वो उधर जो है फ्रिक्शन और ज्यादा कम हो जाता है, सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट रहता है व्हील्स का, सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट रहता है, तो व्हील्स का सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट होने की वजह से वो फ्रिक्शन जो है लिटरली बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है राइट, लिटरली बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट मोर फ्रिक्शनल, जमीन को ज्यादा मोर फ्रिक्शनल क्रिएट करने के लिए एट द सेम टाइम जब चाहूँ मैं रुक जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा व्हील्स पे लैंडिंग गियर मेरा खुद स्लिप होते जा रहा है, मैं ब्रेक्स मार दिया वो स्लिप होते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं एयरक्राफ्ट को हम लोग जब टाइटन करते हैं स्की प्लेन्स नॉर्मल स्की पैड्स नॉर्मल इंस्टेड ऑफ नॉर्मल व्हील वाला लैंडिंग गियर हम लोग स्की पैड्स को प्लेस करते हैं। जब स्की पैड्स रहते हैं वो समवर लाइक हेलीकॉप्टर का स्कीस रहते हैं वैसे ही रहता है। तो स्की पैड्स का मेन पर्पस क्या है, स्की पैड्स का मेन पर्पस ये है कि वो किसी को आप सी प्लेन में आप बर्फीले इलाके में लैंड कर सकता है थोड़ी देर में जाके, सरफेस एरिया ज्यादा रहता है उसका तो आराम से वो जाके लैंड कर देगा, वो तो ठीक है। उसके बाद आप उसको एक जगह रुकाओगे कैसे, आप गस्ट ऑफ विंड से कैसे बचाओगे, स्टॉर्म उधर भी आता है थंडरस्टॉर्म उधर भी आ सकता है, आप वैसे किसान बैकअप को बचाओगे कैसे। तो बचाने का एक तरीका ये है कि आप एयरक्राफ्ट को बांध दीजिए, बांधने के लिए आपको ऑब्वियसली टाइट डाउन करना पड़ेगा, टाइट डाउन करने के लिए आप दे वुड बी अ लूप, टाइट डाउन लूप्स रहेंगे हमारे विंग के ऊपर लैंडिंग गियर के ऊपर अलग अलग जगह में फ्यूजलाज के ऊपर एंड ऑल, तो उधर लूप्स रहेंगे टाइट डाउन लूप्स रहेंगे, उधर से आप रोप पास करोगे, दूसरा एंड जमीन के साथ बांधना, क्योंकि जमीन तो बर्फ से भरा हुआ है स्की प्लेन में, जमीन किससे भरा हुआ है बर्फ से भरा हुआ है, ग्राउंड जो है बर्फ से भरा हुआ, ग्राउंड में बर्फ है अगर स्टे के अंदर डालते भी हो तो ऑलमोस्ट लाइक क्विकसैंड जैसा रहता है वो, जैसे स्टे को घुसाओ स्टे का एक उंगली से अंदर डालोगे दूसरे हाथ से वापस निकाल सकते हो, सॉफ्ट रहता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है हमारा स्नो जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है, तो अगर आप जमीन के साथ अटैच करके बांधने की कोशिश भी करो करना मुश्किल, इसलिए क्या करते हैं हम लोग ट्रेंच खोदते हैं, मैंने ऐसे ट्रेंच पिट एक खड्डा खोदा जाएगा बर्फ का एक खड्डा खोदा जाएगा, बिकॉज उधर बर्फ ही है तो जब खड्डा खोदोगे जमीन में बर्फ को ही खोदोगे आप, बर्फ का एक खड्डा खोदोगे एंड आप एक हैवी लॉग हैवी पाइप्स या कोई भी सामान जो हैवी है उसको आप लोगे, उसके साथ रोप बांधोगे एंड यू विल टाई द अदर एंड ऑफ द रोप टू द एयरक्राफ्ट राइट, यू नो हाउ टू टाई इट डाउन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉट, यूज वन ऑफ दोस टू नॉट्स राइट, एंड प्लेस द अदर एंड ऑफ दिस टू द लॉग और पाइप एंड ऑल, उसको ट्रेंच के अंदर रखना और स्नो से वापस भर दो, खड्डा को वापस भर दीजिए। अब उसकी वजह से यहाँ पे अगर खिंचाव आता भी है लॉग हैवी होने की वजह से, एट द सेम टाइम जो स्नो जो है उसको आगे पीछे मूव होने से तो रोकेगा, बहुत ज्यादा नहीं एटलीस्ट पार्शियली तो रोकेगा। तो इस तरह क्या होता है एयरक्राफ्ट विल बी फिक्स्ड एट अ सिंगल पॉइंट, एक जगह में वो फिक्स हो जाएगा रुक जाएगा वो, ये एक एडवांटेज हो गया राइट, ये एक एडवांटेजियस पॉइंट हो गया। लेकिन इस केस में आपने आप मुझे नेक्स्ट सवाल पूछ सकते हो एयरक्राफ्ट को आप उड़ने से रोक दिया, आगे पीछे जाने से कैसे रोक दिया, आगे पीछे जाने के लिए नॉर्मल एयरक्राफ्ट के केस में चोक्स रहते हैं, इसे चोक्स बोला जाता है, येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये चोक्स बोला जाता है इधर, ये चोक्स है। बट अगर आप लाइट हैवी स्नो वाले एयरक्राफ्ट के अंदर आप कैसे करोगे एयरक्राफ्ट को चोक्स, तो प्लेस नहीं कर सकते टायर्स के सामने, प्लेस कर सकते टायर है ही नहीं, वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यू हैव वन ऑप्शन, यू कैन वाटर डाल सकते हो स्कीज के ऊपर, वाटर डाल दीजिएगा, जैसे वाटर डालोगे आइस फॉर्म होगा, जैसे ही आइस फॉर्म हो जाएगा वो एक जगह स्टिक हो जाएगा एंड इट विल नॉट स्टॉप, इट विल स्टॉप मूव टू एंड फ्रो, ये एक तरीका है। एंड जब आप तुमको पूछोगे बर्फ से ढक गया तो वापस यूज करना है, वापस कैसे निकालोगे आप, नॉर्मली आप मैलेट्स रहते हैं मैलेट्स को यूज करके आप लिटरली आइस फ्रोजन आइस को आप ब्रेक डाउन करके वापस यूज किया जा सकता है राइट, मैं हैमर नहीं बोल रहा मैलेट बोल रहा। तो इस तरह हम लोग
यूज कर सकते हैं, वापस दोबारा यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्की प्लेन। नेक्स्ट आता है टाइडम प्रोसीजर फॉर हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट पार्ट है हेलीकॉप्टर को टाई डाउन कैसे करोगे। जब हेलीकॉप्टर को टाई डाउन करने की बात आती है तो आपको इतना याद रखना है कि हेलीकॉप्टर जो होता है 65 एनवायरनमेंट जो हेलीकॉप्टर कैन टेक अप टू सस्टेन अ विंड अप टू 65 माइल्स पर आवर, राइट। टाई डाउन कंडीशन में, एक टाई डाउन कंडीशन में हेलीकॉप्टर जो रहेगा वो 65 माइल्स पर आवर का स्पीड ऑफ विंड को भी सह सकता है, लेकिन इसलिए वो पूरा अगर उससे ज्यादा वाला है तो आपको उधर से निकल जाए, इवैक्यूएट योर एयरक्राफ्ट एज सून एज पॉसिबल। उससे ज्यादा है तो आप अपने एयरक्राफ्ट को टोर्नाडो से, हरिकेन से बचाइए, उसके आसपास भी तो बचाइए, निकल जाओ बेटा, ये तो कुछ है नहीं, राइट। जस्ट गो फ्रॉम हियर टू समवेयर एल्स वेयर योर एयरक्राफ्ट इज सेफ। आपका एयरक्राफ्ट जहाँ पे सेफ है वाला एयरक्राफ्ट को आप यूज कीजिए। नेक्स्ट आता है बेटा इफ इट ऑल पॉसिबल हेलीकॉप्टर इवैक्यूएटेड, दैट्स ट्रू। नेक्स्ट आता है आप जब एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर को टाई डाउन करते हो तो क्या ध्यान दोगे। एंड और एक चीज, छोटी सी बात याद आया अभी, इन ऑर्डर टू व्हेनेवर यू आर मूविंग योर हेलीकॉप्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर व्हाइल देयर इज स्टॉर्म, see to it that no tree, no animals are trying to collide with your aircraft. ये एक छोटी सी बात तुम लोगों को याद रखना है। और एक चीज तुम लोग याद रखना है कि जब टाई डाउन करते हो एयरक्राफ्ट को खुले मैदान में, अगर आपके पास चांस मिले खुले मैदान में करना, आसपास कुछ नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। और obviously whenever you're tying down your aircraft you should be reading the maintenance manual. The maintenance manual which is being recommended should be followed strictly, right? Maintenance manual ko aap padhoge. Next aata hai aapko bhi, agar aapka helicopter jo landing hai jo do type ke rehte hain, ski type ke bhi rehte hain, dusra hota hai wheels type ke bhi. Agar aapke paas helicopter pe wheels type ke hain to you can remove the wheels, skis and wheels dono hai to wheels ko remove kar dijiye and you can place it somewhere सेफ स्टोर डिपार्टमेंट में सेफली आप प्लेस कर सकते हो। अगर आपके पास प्योर स्की पैड्स है तो इन दैट केस यू कैन लैंड योर एयरक्राफ्ट ऑन दैट एंड टाई डाउन किया जा सकता है, राइट। व्हेनेवर एंड ऑब्वियसली ब्रेक्स मारना है, पार्किंग ब्रेक्स को अप्लाई करोगे, टाई डाउन असेंबलीज को देखोगे, ये सब आप जहाँ मोरिंग कवरिंग जहाँ पे किया जा सकता है वहाँ पे आप मोरिंग कवरिंग डालोगे। ये सब एक बार होने के बाद नेक्स्ट आता है बेटा कि आप क्या करोगे कि यू विल प्लेस योर, ये सब हो गया एंड एट द सेम टाइम यस यू नीड टू प्लेस योर एयरक्राफ्ट इन द डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, इन टू द विंड, सेम डायरेक्शन हो गया, जो डायरेक्शन में तेज हवा आने वाली है वही डायरेक्शन में आपको एयरक्राफ्ट नोज या हेलीकॉप्टर नोज ये डायरेक्शन है, आई शुड बी इन पीछे का डायरेक्शन, इट शुड गो बिहाइंड यू, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जब एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को जब टाई डाउन करते हो यू शुड सी टू इट दैट नो अदर एयरक्राफ्ट्स आर इन इट्स विसिनिटी, स्पेशली अगर हेलीकॉप्टर का जो बीच में शैंग रहता है उससे कम से कम हेलीकॉप्टर का रोटर का डायमीटर जितना बड़ा है उतनी दूरी तक, प्लस दो तीन और इंच पकड़ लो, उतनी दूरी तक आपका कोई और एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये एक बात तुम लोग को याद रखना है। एंड और एक चीज आपको याद रखने वाली बात ये है कि व्हाइल टाइंग इट डाउन सी टू इट दैट कि आप हेलीकॉप्टर को जो रोटरी प्लेट्स है आप पैरेलली प्लेस करोगे, टेल के पैरेलली प्लेस करोगे एंड आपको टेल के साथ बांधा भी जा सकता है हेलीकॉप्टर के टेल के साथ बांधा जा सकता है। तो दिस इज वन ऑप्शन। अगर स्की पैड्स को बांधना है तो यू हैव अनदर ऑप्शन, यू कैन टाई इट डाउन टू स्की पैड्स, स्की पैड्स को भी बांध, इसको स्की बोलते हैं बेटा, दिस इज नथिंग बट अ स्की, तो स्की पैड्स को भी बांधा जा सकता है। ये हो गया आपका हेलीकॉप्टर टाइंग प्रोसीजर। अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ये कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। एंड अगर कुछ डाउट है तो कुछ भी आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर आपको टीचिंग प्रोसीजर में कुछ बदलाव चाहिए तो वो भी मुझे सजेशन कर सकते हैं। एंड यस, मैं मॉड्यूल 6, 7 एंड 8 का जो है क्रैश कोर्स प्रोवाइड करता हूँ।
आप मुझे उसके लिए डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? आई हैव माय नंबर गिवन बिलो. इफ एट ऑल यू वांट अ क्रैश कोर्स फॉर अदर मॉड्यूल्स ऑल्सो, दैट इज मॉड्यूल 3 टू मॉड्यूल 17 ए, इनमें से कोई भी मॉड्यूल को अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और अदर टू प्रोफेसर्स डाउन बिलो. आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, जैसे कॉन्टैक्ट करेंगे इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर्स जो वो टॉपिक सिखाते हैं, जो मॉड्यूल सिखाते हैं, उनको आपको अलॉट किया जाएगा, राइट? अगर आपको कुछ डाउट है उसको सब आप अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज दीजिएगा. एंड यस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. जब शेयर करते हैं सीटी फिट ऑल, आपको ये आपको पता ही बनो, कोई स्टूडेंट है जो एम ए पढ़ रहा है, उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर इट विद देम सो दैट उन लोग सीख सकें. हियर कम्स एंड ऑफ द टॉपिक. बाय एंड वेट फॉर माय न्यू टॉपिक.